हाय और हेलो की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल आज मत करिएगा क्योंकि यार मूड बहुत खराब। ठीक है, और रोज हम आपके समक्ष इस व्हाइट बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते हैं, हम आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। पढ़कर क्या करेंगे जब हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जो कर रहे हैं उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। बताइए, बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है COVID-19 को लेकर, और बिहार में लोग इतने मर रहे हैं कि बक्सर में गंगा नदी में लाशों को बहाया जा रहा है, जलाने तक की जगह नहीं है। और ये कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई नीतीश कुमार की सरकार, अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो उसे कहता है कि कालाबाजारी कर रहा है। नीतीश कुमार ने अपनी अंतरात्मा को बेच दिया है, और अपनी अंतरात्मा को बेच करके इन राष्ट्रद्रोहियों बीजेपी वालों के हाथ में देश की कमान को सौंप दिया है। जी हाँ, क्योंकि आज बिहार का लाल, बिहार का सेवक, जो बिहार के हर जाति धर्म तबके और समुदाय के लोगों को रेमडेसिविर की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, एन कैन प्रकार इन किसी भी स्थिति में वो उपलब्ध करवा रहा था। यहाँ तक कि बिहार सरकार में कार्यरत अधिकारियों की पत्नियां, माताएं, पिता, बूढ़े बच्चे, बूढ़े पिता, छोटे बच्चे संक्रमित पाए गए, और उनके लिए सरकार के पास, उनके कम से कम अधिकारियों के तरफ जो कि बिहार सरकार के लिए कार्यरत है, उनके लिए भी बिहार सरकार के पास कोई यंत्र, कोई संसाधन, कोई सुविधा नहीं है। और ऐसे स्थिति में यदि पप्पू यादव किसी भी प्रकार से अपने खेत बेचकर, जमीन बेचकर कहाँ से पैसे ला रहा है, क्या कर रहा है, और ऐसे स्थिति में यदि वो लोगों की सेवा कर रहा है तो उन पर कालाबाजारी का आरोप लगता है। क्या यही लोकतंत्र है? और लोकतंत्र में लोग क्या यही उम्मीद करते हैं? इसीलिए मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, और पप्पू यादव ने आज कहा भी है कि मुझे फांसी की सजा दे दो। ठीक है, तो फांसी की सजा दे दो, और ये दोस्तों गिरफ्तारी का एक बहाना है। जिस तरह से शहाबुद्दीन को जेल में मार दिया गया, ठीक उसी तरह से पप्पू यादव के साथ भी किया जा रहा है। पप्पू यादव के पुराने केस को खंगाला जा रहा है, पुराने केस को ओपन करने की साजिश का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पप्पू यादव को भी COVID-19 पॉजिटिव करार देकर के जेल के तहखानों में ही मार दिया जाए, ताकि फिर कोई मायका लाल, फिर कोई बिहार में कोई ऐसा आवाज ना बन सके, कोई ऐसी ताकत ना बन सके जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। क्या गलती थी पप्पू यादव की? क्या राजीव प्रताप रूड़ी के बाप के या दादा के या उनके परदादा का के पैसे से एम्बुलेंस खरीदा गया था? 40 एम्बुलेंस, 50 एम्बुलेंस तकरीबन उसने अपने घर पर छुपा कर रखा था, उससे बालू की डिलीवरी, शराब का व्यापार किया जा रहा था, और इसके खिलाफ पप्पू यादव ने आवाज उठाया, सुशासन की पोल खोल दी पप्पू यादव ने। बस यही गलती थी पप्पू यादव की, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, पढ़ाई लिखाई होते रहेगी, हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन ना हमें ये पढ़ने दे रहे हैं, ना ठीक से आगे बढ़ने दे रहे हैं। रोजगार के नाम पर ये हमें नीलवटा सन्नाटा 2000 की बहाली देते हैं, उसमें भी नेताओं के चमचे, नेताओं के डल्ले जो होते हैं उनको भर्ती किया जा रहा है। तो पढ़ाई लिखाई होगी। मैं आज आप सभी से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करने आया हूं, आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि बहुत अंदर से भरा हुआ हूं। ठीक है, ऐसे स्थिति में पप्पू यादव जो बिहार के हर व्यक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण बने हुए थे, हमारी सरकार नहीं सुनेगा, हमको वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई सरकार नहीं देगी, पप्पू यादव है ना, पप्पू यादव उपलब्ध कर देगा, कहीं ना कहीं से उपलब्ध कर देगा, इस भरोसे के साथ लोग जाते थे। परसों ही पीएमसीएच से एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा पप्पू यादव को देखते ही वह महिला पप्पू यादव के गले से लिपट गई और लिपट करके रोने लगी, क्योंकि उसका एक बच्चा रो रहा था। सचमुच में यार, जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे आंखों में आंसू थे। क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के जितने लोग हैं उनके अंदर तनिक भी करुणा, हमदर्दी, दया भावना जैसी कोई चीज नहीं बच गई है? अगर होती तो वो इतने निर्लज्जता का, इतने बेहयापन का प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। खैर, जो भी हो, हम आप सभी से वर्तमान में यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि #ReleasePappuYadav, ठीक से स्पेलिंग देखिएगा, R कैपिटल, E स्मॉल है, सब बाकी यहां तक फिर स्मॉल है, और फिर कैपिटल P, फिर बाकी स्मॉल पप्पू, और फिर Y स्मॉल में है, बिना स्पेस के इसको टाइप करिए, और ट्विटर पर दन दना करके इसको ट्रेंड करिए। अभी ये तकरीबन 1 लाख के लोगों ने, 1 लाख यानी 100 के लोगों ने लगभग इस पर ट्वीट कर दिया है, और ये अभी पूरे भारतवर्ष में, बल्कि पूरे दुनिया में, पूरे ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और आप इसको तब तक ट्रेंड करवाइए, तब तक सहयोग जारी रखिए, जब तक कि पप्पू यादव छूट नहीं जाता है, क्योंकि पप्पू यादव अपने लिए नहीं,
एक हाफ टी शर्ट पर, अस्पताल की बात हो, अस्पताल से बात हो या शमशान घाट तक की बात हो, पप्पू यादव हर जगह अवेलेबल था, हर जगह उपलब्ध था। और ऐसे व्यक्ति को आज गिरफ्तार कर लिया गया इनकी रिहाई की मांग के लिए, ताकि भारत सरकार नीतीश कुमार की कुंभकर्णी निद्रा से ये जागें और जाग करके थोड़ी सी निर्लज्जता हटा करके एक प्रयास करें कि पप्पू यादव को छोड़ दे। और राजीव प्रताप रूड़ी जो सरासर एम्बुलेंस चोर है, उस पर धारा 302 के तहत मुकदमा चला करके उसे गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सजा दी जाए, ऐसा हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। फिलहाल आप सभी इस हैशटैग को ट्रेंड करवाइए ताकि पप्पू यादव की रिहाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।